दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, राफेल लड़ाकू विमान ने साल 1986 में पहली उड़ान भरी थी और उस समय दसॉल्ट एविएशन को दुनिया भर के देशों से इस लड़ाकू विमान के बड़े ऑर्डर की उम्मीद थी, क्योंकि दसॉल्ट के पास मिराज 2000 फाइटर जेट बनाने का अनुभव था। लेकिन कंपनी की उम्मीदों के उलट हुआ और राफेल में किसी भी देश ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस समय दुनिया भर के देश रूस और अमेरिका से फाइटर जेट खरीदना चाह रही थी। राफेल लड़ाकू विमान जेट्स कह सकते हैं ने 2011 में लीबिया युद्ध के बाद सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया खींचा। उस दौरान राफेल का इस्तेमाल लीबिया, अफगानिस्तान, इराक, माली और सीरिया के युद्ध में किया गया, जहां राफेल ने अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया और दुनिया भर के देशों के बीच खरीदने की होड़ मच गई। क्या आप जानते हैं कि 1986 में पहली उड़ान भर चुके राफेल फाइटर जेट्स को कोई खरीदने वाला नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं, दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है जिसने मिराज 2000 को बनाया था। फाइटर जेट काफ़ी फेमस हुए पूरी वर्ल्ड में, लेकिन उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में मिस्र बना राफेल का पहला ग्राहक। लीबिया के युद्ध में राफेल लड़ाकू विमान राफेल फाइटर जेट्स का कमाल देखने के बाद मिस्र पहला ग्राहक बना था और नवंबर 2014 में 24 से 36 राफेल खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत शुरू की गई। हालांकि अगस्त 2015 में मिस्र और फ्रांस के बीच राफेल डील पर औपचारिक मुहर लगी। इस दौरान मिस्र ने 24 राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया था, जिसमें 16 2 सीटर और 8 सिंगल सीटर मॉडल शामिल थे। इसके बाद जुलाई 2015 में मिस्र को राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी शुरू की गई। मिस्र के राफेल लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स खरीदने के बाद कतर इसका खरीदार बना और 2015 में इसको लेकर बातचीत शुरू हुई थी। इस दौरान दसॉल्ट ने दावा किया था कि कतर के साथ 72 राफेल डील पर हस्ताक्षर करने के लिए सौदा। लेकिन अप्रैल 2015 में शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद से मुलाकात की और इसके बाद बताया कि कतर 12 और विमान खरीदने के साथ 24 राफेल का ऑर्डर देगा। इसके बाद 7 दिसंबर 2017 को कतर ने आधिकारिक तौर पर 36 राफेल लड़ाकू विमानों का ऑर्डर दिया और पहला राफेल फरवरी 2019 में डिलीवरी किया गया। इस डील की कुल कीमत $7.02 बिलियन थी। काफ़ी विवादों में रहा भारत का राफेल डील। भारत में साल 2012 में 126 राफेल लड़ाकू विमान फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई थी और प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन 2015 तक इंडियन एयरफोर्स को फ्लाई अवे स्थिति में 18 राफेल की आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ ही अन्य 108 राफेल का निर्माण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल में होगा। उस समय इस डील की कीमत $20 बिलियन आंकी गई थी, लेकिन फ्रांस ने स्थानीय उत्पादन पर असहमति जताई और दसॉल्ट ने 108 HAL निर्मित राफेल के लिए जिम्मेदारी से इनकार कर दिया, मतलब वो माना नहीं। इसके बाद साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस डील पर फिर से बात शुरू हुई और 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता किया गया। इस डील में राफेल लड़ाकू विमान में भारत के हिसाब से कई अपग्रेडेशन करने को लेकर दसॉल्ट ने ऑफर दिया था। बता दें कि भारत को पिछले साल जुलाई तक सभी 36 राफेल डिलीवरी पूरी हो चुकी है। ये देश भी कर रहे हैं राफेल खरीदने की तैयारी। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले मिस्र ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, ऑर्डर दिया। इसे खरीदने के बाद दसॉल्ट एविएशन ने भी ऑर्डर को काफ़ी तेज़ी से पूरा किया। मिस्र के बाद कतर, भारत, ग्रीस ने भी राफेल लड़ाकू विमान का ऑर्डर दिया और अब इंडोनेशिया, क्रोएशिया, संयुक्त अरब अमीरात की राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को तैयार कर रहे हैं। राफेल लड़ाकू विमान की ताकत अगर देखें तो कैनार्ड डेल्टा विंग ट्विन इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। राफेल की खासियत है कि इसे हथियारों की एक विस्तृत सीरीज से लैस किया जा सकता है। राफेल एक कॉम्बैक्ट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और अपने समय के बाकी लड़ाकू विमान से अलग है। राफेल फाइटर जेट दुश्मन के क्षेत्र में अंदर घुसकर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा एयर सुपेरियरिटी, एरियल रिकॉनसेंस, ग्राउंड सपोर्ट, एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु हमला करने जैसे एडवांस फीचर भी इसमें मौजूद हैं।